हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ जेपीएससी के इस चैनल पर, जहाँ पर हम रूबरू होंगे जेपीएससी रैंक होल्डर्स की कहानी को लेकर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, उससे पहले प्लीज फ्रेंड्स ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी को लेकर। तो आज जो सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ साझा करूंगी वो है जेपीएससी टॉपर सुमन गुप्ता की। जी हाँ, वो सुमन गुप्ता जो एक मैरिड वुमन है और जिन्होंने इस बार जेपीएससी के रिजल्ट्स में अपना परचम लहरा दिया है। जैसा कि अब तो आप सभी को पता होगा कि मंगलवार को छठी सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें विभिन्न सेवाओं में कुल 325 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। छठी सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर सुमन गुप्ता का चयन राज्य प्रशासनिक सेवा में हुआ है। पहले प्रयास में ही यह सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली है। दोस्तों, सुमन का पोस्टल असिस्टेंट में चयन इंटरमीडिएट के पास होने के बाद ही हो गया था। इसके बाद उन्होंने इग्नू से स्नातक की उपाधि हासिल की थी। सुमन गुप्ता जी और उनके पति गौतम कुमार के लिए छठी जेपीएससी का परिणाम थोड़ी खुशी लेकर आया। हालांकि कई तकनीकी अड़चनों के कारण यह परिणाम 5 साल बाद जारी हो सका, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना परचम लहरा ही दिया। और यही कारण था कि रिजल्ट क्योंकि 5 साल बाद आया था, तो अन्य अभ्यर्थियों की तरह ही इनको भी 5 साल का इंतजार करना पड़ा था। लेकिन इस दोहरी सफलता से वे बेहद खुश हैं। उनकी नजर अब यूपीएससी की परीक्षा पर है। टॉपर सुमन गुप्ता ने हमें बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद 5 साल का लंबा इंतजार काफी मुश्किल था। इस दौरान किताबें, एजुकेशनल ऐप और सहपाठी के रूप में उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया और उनको उनसे काफी प्रेरणा भी मिलती रही। उनके पति सिर्फ उनके पति ही नहीं रहे उनके लिए, बल्कि उनके सहपाठी उनके मित्र भी बन गए थे। वे एक प्रतियोगी के रूप में भी सदैव उनका मार्गदर्शन करते रहते थे और उनकी हौसला अफजाई करते रहते थे। वे हमेशा उन्हें कहते थे कि तुम ये जरूर कर सकती हो। वर्तमान में अपने पति के साथ साथ अपने बड़े भाई का भी वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल मानती हैं। उनके बड़े भाई जो कि वर्तमान में BDO गढ़वा हैं, उनका मार्गदर्शन भी उन्हें मिलता रहा था। उनका कहना है कि उनके पति और उन्होंने साथ ही कोचिंग भी ली थी। NCERT की किताबों का बारीकी से अध्ययन कर 2-3 सेट्स तैयार कर लिए थे नोट्स के, और उन नोट्स पर बिंदुवार एक एक टॉपिक पर उन्होंने काम किया था। वहीं दोनों ही नियमित रूप से एक दूसरे से डिस्कशन वे डाउट क्लियर भी करते रहते थे। और शायद यही कारण है कि सुमन जी और उनके पति दोनों ने ही इस परीक्षा में रैंक हासिल की है। जहां सुमन टॉपर रही है, वहीं उनके पति ने भी 32वां स्थान प्राप्त किया है। नौकरी की वजह से पढ़ाई शेड्यूल करने में थोड़ी बहुत परेशानी उन्हें होती थी, ये उन्होंने हमें बताया। तो वो कहती हैं कि जब उनसे नौकरी करते हुए परेशानी की बात पूछी जाती है तो वो सिर्फ यही कहती हैं कि नौकरी की वजह से पढ़ाई शेड्यूल करने में थोड़ी परेशानी तो होती थी, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती थी। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करती थी, उसके बाद शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी, और बस ऐसे ही सब कुछ मैनेज हो जाता था। सुमन जी का कहना है, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वे कहती हैं कि सफलता पाने के लिए आपको ईमानदार कोशिश करनी होगी और मेहनत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें और पूरी मेहनत से पढ़ाई करें तो आप निश्चित ही सफलता जरूर पा लेंगे। सफलता के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक टारगेट सेट करना होता है, एक लक्ष्य सेट करना होता है, और आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए। तो इसलिए अपना टारगेट सेट कर सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहें और मेहनत से करें, तो देखिएगा निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। उन्होंने जेपीएससी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को कुछ संदेश देते हुए कहा है कि मौजूदा परिवेश में विद्यार्थियों के पास धैर्य, सहनशीलता, इन दोनों की कमी है। लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए शॉर्टकट तलाशते रहते हैं, तो जो ठीक बिल्कुल नहीं मानती वो। इसलिए आपको एकाग्रचित होकर मेहनत करनी होगी। तो ये थी जेपीएससी टॉपर सुमन गुप्ता जी की कहानी। आगे और जेपीएससी
रैंक होल्डर्स की कहानी लेकर मैं आपके सामने फिर पेश होंगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्कार।